सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर ने बीते दिन बीते समय आप सभी को संभाल कर रखा और आगे भी आपको परमेश्वर यूं ही संभाल कर रखे। आज हम बात करने वाले हैं कि चर्च में शादी कैसी होती है, यानी ईसाई धर्मों में विवाह की क्या प्रथा होती है, किस तरीके से शादी होती है। आज के इस वीडियो में सीखेंगे कि आखिर ईसाई धर्मों में शादी कैसे होती है। ईसाई धर्मों की शादियाँ बहुत ही सादगी के साथ होती हैं, जिसमें लड़की प्यार भरा गाउन पहनकर बिल्कुल प्रिंसेस की तरह तैयार होकर हाथों में फूलों के गुलदस्ता लेकर आती है और लड़का प्रिंसेस की तरह सूट पहनकर पादरी के साथ उसका इंतजार करता है। अभी शादी नहीं हुई दोस्तों, आगे और भी चीजें हैं जो इसकी रस्में हैं कि आखिर ईसाई धर्मों में क्या क्या रस्में हैं और किस तरीके से शादी की जाती है। ईसाई धर्मों में विवाह से पहले इंगेजमेंट की रस्म की जाती है, यानी सगाई की रस्म की जाती है, जो कि लड़की के घर पर होती है। दोनों पक्षों के लोग शामिल होते हैं और कुछ गेस्ट होते हैं और उन सभी के बीच पादरी यानी पास्टर बाइबल से कुछ पाठ करता है और वर वधु को रिंग एक्सचेंज करने की बात कहता है और इसी दिन यानी इंगेजमेंट के दिन इनकी शादी की तारीख तय कर दी जाती है। इसके बाद शादी की पुकार की जाती है। शादी से पहले चर्चों में शादी की घोषणा की जाती है। शादी की तीन पुकार के बाद ही विवाह को संपन्न किया जाता है। कारण यह है कि लड़का लड़की के बीच के गैर संबंध को कोई व्यक्ति जानता है कलीसिया का या फिर चर्च का या फिर कोई बाहरी व्यक्ति लड़के और लड़की के बीच के गैर संबंध को जानता है और इस बात की पुष्टि वह चर्च पर करता है इन्हीं तीन पुकारों के बीच, तो विवाह कैंसिल हो जाता है। इसलिए ईसाई धर्मों में ये तीन पुकार इम्पोर्टेंट माना जाता है विवाह के समय। लेकिन हमें यह भी जानना जरूरी है, जब चर्च में विवाह होता है तो दुल्हन का स्वागत कैसे किया जाता है, जिसमें लड़का सूट पहनकर चर्च में लड़की का इंतजार करता है और फिर लड़की एक प्यारी सी प्रिंसेस बनकर हाथों में गुलदस्ता लेकर अपने पिता के द्वारा लाई जाती है। इसके बाद होमली होती है। इसका ये मतलब है जब लड़का और लड़की दोनों आ जाते हैं तब पादरी बाइबल से कुछ सरमन पढ़ते हैं, जिसे ईसाई लोग होमली कहते हैं। इसके बाद न्यूबलिस होता है, जिसमें होमली हो जाने के बाद पादरी का दायित्व ये होता है कि वो लड़का और लड़की से कुछ सवाल करे और उनकी शादी के लिए दोनों की मर्जी पूछे और इस सवाल का जवाब दोनों को देना जरूरी होता है। इसके बाद रिंग एक्सचेंज होता है, जिसमें लड़का और लड़की दोनों शादी के लिए हाँ कर देते हैं तो फिर दोनों एक दूसरे को रिंग एक्सचेंज करते हैं और फिर रिंग पहनाते हैं। इसके बाद पादरी से आशीर्वाद लेते हैं और बड़ों से भी आशीर्वाद लेते हैं। इसके बाद रजिस्ट्रेशन होता है। यह अंतिम रस्म होती है जिसमें शादी के सारे दस्तावेजों पर गवाहों की मौजूदगी में लड़का और लड़की के सिग्नेचर होते हैं और इसमें कुछ गवाहों के भी सिग्नेचर होते हैं। इस तरीके से लड़का और लड़की का विवाह संपन्न होता है और इस तरीके से लड़का और लड़की आपस में दोनों चुंबन करते हैं और प्यार का इजहार सभी लोगों के सामने करते हैं। इसके बाद रिसेप्शन होती है, जिसमें दावत नामा खुशी होती है, जिसमें सभी लोग दोस्त रिश्तेदार फ्रेंड सभी शामिल होते हैं और एक दूसरे को खुशी और लड़के और लड़की को आशीर्वाद देते हैं कि वो हमेशा यूं ही खुशी में आगे बढ़ते रहें। इस तरीके से ईसाई धर्मों में शादी की रस्मों को पूरा किया जाता है। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी और पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और उन लोगों तक शेयर कीजिएगा जो नए लोग हैं और ईसाई धर्मों में शादी कैसे किया जाता है उन तक भी ये बात पहुंची जानी चाहिए। सो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी लेकर।